शेख जुई, रुक करते हैं दिन भर की तमाम बड़ी खबरों की ओर। भीषण गर्मी और उमस से परेशान हो चुके राजस्थान के लोगों के लिए राहत की खबर आज दक्षिण पश्चिम से आई है। राजस्थान में मानसून ने मंगल प्रवेश कर लिया है। राजस्थान में मानसून ने अपने तय समय में प्रवेश किया है। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों में राजस्थान के करीब सभी हिस्सों में हल्की सी मध्यम बारिश के साथ ही तेज बारिश की चेतावनी जारी की गई। पुलिस ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा सहित अन्य कांग्रेस नेताओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। डोटासरा ने आईजी पर इसे लेकर नाराजगी जताई। उन्होंने एक्स पर ट्वीट करके आईजी पर गंभीर आरोप लगाए। डोटासरा ने एक्स पर ट्वीट करके लिखा, कायर और भयभीत भाजपा क्या फर्जी मुकदमों से डराना चाहती है? जनता के मुद्दों के लिए संघर्ष करने पर एक क्या 100 मुकदमे लेने और जेल जाने की हिम्मत रखते हैं? बता दें 24 जून को कांग्रेस ने नीट और अन्य मुद्दों को लेकर कोटा में प्रदर्शन किया था। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस नेताओं पर पुलिस के साथ धक्का मुक्की और मारपीट के आरोप है। इसी को लेकर पुलिस अधिकारियों और पुलिस कर्मियों की शिकायत पर कांग्रेस नेताओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के आदिवासी समाज को लेकर दिए गए बयान का लगातार विरोध तेज होता जा रहा है। इस कड़ी में झालावाड़ जिले के असनावर कस्बे में कांग्रेस नेताओं कार्यकर्ताओं ने आदिवासी समाज के लोगों के साथ कस्बे में पैदल मार्च निकालते हुए नारेबाजी कर रैली निकाली और बाद में उपखंड अधिकारी कार्यालय पहुंचकर शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर सीएम के नाम का एसडीएम को ज्ञापन भी सौंपा। भारतीय जनता पार्टी हनुमानगढ़ ने आज भाजपा जिले कार्यालय में आपातकाल विरोधी दिवस मनाया। इस दौरान भाजपा जिला अध्यक्ष देवेंद्र पारीख, पूर्व विधायक गुरदीप, हनुमानगढ़ से भाजपा प्रत्याशी रहे अमित साहू सहित भाजपा कार्यालय ने इंदिरा गांधी द्वारा देश में आपातकाल थोपे जाने और संजय गांधी द्वारा जबरन नसबंदी करने का विरोध जताया और आरोप लगाया कि कांग्रेस आज संविधान को खतरे में बता रही है, जबकि कांग्रेस राज में आपातकाल नसबंदी के अलावा चुनी गई विपक्षी सरकारों को भी बर्खास्त किया गया था। दिल्ली हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को झटका दिया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने ईडी की याचिका पर केजरीवाल की जमानत पर स्टे लगा दिया। हाईकोर्ट ने कहा कि ट्रायल कोर्ट ने फैसला सुनाते समय अपना दिमाग नहीं लगाया और मटेरियल पर ध्यान ही नहीं दिया। दिल्ली के मंत्री आतिशी की तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। आतिशी को दिल्ली के एलएनजेपी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आतिशी की अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल का आज पांचवा दिन था। पर्याप्त पानी जारी नहीं करने के मुद्दे पर आतिशी हरियाणा सरकार के खिलाफ भूख हड़ताल पर थी। लोकसभा स्पीकर पद पर कांग्रेस पार्टी के सांसद डॉक्टर सैयद नासिर हुसैन का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा, आज तक कभी चुनाव नहीं हुए, इस बार हो रहे हैं। सरकार को ऐसा नहीं होने देना चाहिए था। ये चुनाव इस सरकार के तानाशाही रवैये, अलोकतांत्रिक व्यवहार और हमारे संवैधानिक मूल्यों और लोकतांत्रिक परंपराओं को कमजोर करने की उनकी कोशिश के कारण हो रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आपातकाल के संदर्भ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दी गई टिप्पणी को लेकर उन पर पलटवार करते हुए आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री अपनी कमियां छिपाने के लिए अतीत को कुदेरते रहते हैं, जबकि उनके शासनकाल में 10 साल के अघोषित आपातकाल ने लोकतंत्र और संविधान को गहरा नुकसान पहुंचाया है। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस ने हमेशा लोकतंत्र और संविधान का साथ दिया है और आगे भी देती रहेगी। लोकसभा अध्यक्ष पद के लिए सरकार और विपक्ष के बीच आम सहमति नहीं बन सकी और अब राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के उम्मीदवार और भाजपा सांसद ओम बिरला का मुकाबला कांग्रेस के कोड़ी कुनील सुरेश के साथ होगा। लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव मतदान गुरुवार को होगा। झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वो 5 सितंबर तक राज्य में 26,000 सहायक शिक्षकों की भर्ती सुनिश्चित करें। सोरेन ने स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान कहा कि राज्य सरकार शिक्षकों के रिक्त पदों को भरने के लिए प्रतिबद्ध है। आज खबर दिन भर में इतना ही। दिन भर की तमाम खबरों के साथ आप सब फिर रूबरू होंगे। शुक्रिया।